वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th की मैथ्स बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज करने से पहले आपको इसका कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। आप डेसिमल एक्सपेंशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं जो समझिएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक रेशनल नंबर जैसे 5/2 है, तो ये जो 5/2 है इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखिए तो 2.5 आ जाती है। अब ये कैसे आई है देखिए, सबसे पहले तो रेशनल नंबर को डिवाइड की फॉर्म में जमाने के लिए इसको क्या करना पड़ता है आपको, कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे है ना, तो इस तरह से आपको इसको घुमाना होता है। उससे क्या होता है, 2 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे। तो 2 5 मतलब इसको क्या कहते हैं अपन, तो 5/2। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो कितने आएंगे, देखिए 241.05 ना, मतलब कि आपने 5/2 किया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई। तो रेशनल नंबर को आप पॉइंट वाले फॉर्म में लेके आ गए हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको डेसिमल बोलते हैं। तो 5/2 इक्वल टू कितना आ गया, 2.5 आ गया है, मतलब कि रेशनल नंबर को आपने किसने में कन्वर्ट कर दिया है, तो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो पॉइंट वाली जो फॉर्म होती है उसको आप बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग, वो क्या होता है बोलिए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होती है। दूसरी होती है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझिएगा। तो अभी देखिए कि जैसे कि 5/2 वाले एग्जांपल में आंसर कितने आ गए, 2.5 आ गए, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवाइडेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है और एक एक्यूरेट आंसर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितना आ गया, 2.5 आ गया है। तो ये जो 2.5 है ये किसका एग्जांपल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का एग्जांपल हो गया है। मतलब यहाँ पे डिवाइड खत्म हो गया है, तो यहाँ पे कितने आ गए, 2.5 आ गए। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 2.5 हो सकता है, 0.19 हो सकता है, 0.175 हो सकता है। अब देखिए ये ऐसी वैल्यूज़ है जो एक्यूरेट वैल्यूज़ है, मतलब कि इसको आप नंबर लाइन के ऊपर शो भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती है उसको आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब समझिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। बहुत बार आपको एक ऐसा डिवाइड देखने को आता है जो खत्म ही नहीं होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं आप 2/11 करके, इसको जमाते हैं तो 11 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 20, तो 1 टाइम जाएगा, कितने आ जाएंगे 11, कितने बचेंगे यहाँ से, तो 9 बचेंगे, वापस 0 लगा देंगे, 8 कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 88, फिर वापस यहाँ से 2 0 1 11 9 वापिस 8, तो यहाँ हो जाएंगे 88, वापिस कितने बच जाएंगे 2। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि ये प्रोसेस जो है वो यहाँ से वापस रिपीट होती चली जाएगी और यहाँ पे 1818 1818 1818 सो वन तक आते ही चले जाएंगे। तो ये अब देखिए यहाँ पे 18 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप और लिख सकते हैं 0.18 का बार, ऐसे ऊपर इसके जो है वो अगर आप लाइन बना देते हैं तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 0.18 का बार। तो यहाँ पे जो है वो 18 की वैल्यू रिपीट होती चली जा रही है, ठीक है। तो अब जो ऐसे डिवाइडेशन जहाँ पे रिमाइंडर जो है वो कभी भी जीरो आता ही नहीं है, वो वैल्यूज जो है वो रिपीट होती चली जाती है। एग्जांपल क्या ले लिया जैसे आपने, तो 0.18 18 18 डैश डैश डैश, तो जहाँ पे डैश 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 आ जाता है या बार आ जाता है, तो वो जितनी भी वैल्यूज होती है वो सब क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से वॉट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। आपको इसको क्या करना है कि डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए 36/100। तो आपको पता है नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने के बाद में पॉइंट लग जाता है, तो यहाँ पे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं, तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0, तो 0.36 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डैश डैश या बार तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में है। 1/11 आप करते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, तो 0.090909 आगे 100 तक चलती ही जाएगी। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 09 रिपीट हो रहा है, मतलब कि 0.09 का क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, बार आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई है, तो ये हो गई है अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो गया है। फिर देखिए यहाँ क्या है, 4 with 1/8। अब इसको ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो जाएंगे 8 4 32 32 + 1 33
और अपॉन 8 का अपॉन 8। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके आंसर कितने आ जाएंगे, 4.125। तो आप देखिए यहाँ चलने के बाद में डिवाइडेशन की प्रोसेस पूरी खत्म हो चुकी है, तो खत्म होने के बाद में क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो टर्मिनेटिंग आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13, 3/13 को आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी उसकी, 0.230769 का बार बार आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गई है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11, 2/11 अभी अपन ने किया कितने आए थे, 0.1818 सो ऑन तक चलते ही जा रहे थे, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद में देखिए क्या है, 329 डिवाइड बाय 400, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके 0.8225। तो यहाँ चलने के बाद में डिवाइड जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, डिवाइड खत्म हो गया है, इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो काफी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है, करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 का बार, मतलब कि आपके पास क्या है, गिवन है कि 1/7 इक्वल टू कितना है कि 0.142857 का बार, ये चीज पहले से गिवन है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर, आपको बताना है कि 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा और 6/7 क्या होगा, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि इन सबकी वैल्यूज क्या होगी और गिवन क्या है आपके पास, तो 1/7 पहले से दिया हुआ है, करेंगे कैसे इसको समझिएगा। आपको निकालना है अगर 2/7, तो अब देखिए 2/7 को आप और कैसे लिख सकते हैं, तो 2 का 2 तो है ही है, इनटू क्या कर देते हैं आप, 1/7 कर देते हैं, ठीक है 2 के, तो इसकी भी इसको भी सोल्व करेंगे 2/7 ही आएंगे। अब देखिए क्या है कि 2 का 2 है ही है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.142857 हो जाएगी, इसका बार हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, नॉर्मली इसको क्या कर देना है आपको, तो मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितने आ जाएंगे आपके, तो 2857114 का बार, तो एक की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी तरह से आप निकालेंगे 3/7 की, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1/7 हो जाएगा, तो 3/0.142857 हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, तो 0.42857 का बार आ जाएगा। 4/7 निकालना है, तो 4/1/7 कर देना, तो 4/0.142857 का बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे कितने आ जाएंगे आपके, तो 0.571428 का बार आ जाएगा। 5/7 निकालना है, तो 5 क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा, तो 5/0.142857 हो जाएगा, इसका बार हो जाएगा इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके, तो ये आ जाएंगे 0.714285 का बार हो जाएगा। 6/7 निकालना है, तो 6/1/7 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, 6/0.142857 का बार, मल्टीप्लाई करने पे कितने आ जाएंगे, तो 0.857142 का बार आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने देखिए कि हमने बिना डिवीजन किए सिर्फ एक वैल्यू दी हुई थी, उसके बेस पे आप जो है वो आंसर लेके आ चुके हैं। तो इसी तरह से करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ठीक है, व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपको बताना है कि अभी पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको बताना है, इसका मतलब क्या है कि इनको रेशनल है या नहीं है, ये रेशनल नंबर है या नहीं है, उसमें आपको पता करना है। तो करते हैं सबसे पहले देखिए 0.6 का बार है, तो सबसे पहले आपको इस तरह इस टाइप की क्वेश्चन है जिसमें आपको इसको रेशनल नंबर प्रूव करना है या आपको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना है, उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू 0.6 बार, ये जो दिया हुआ है 0.6 बार, इसको क्या मान लेना है, सबसे पहले x मान लेना है। फिर देखिए यहाँ पे कितने के ऊपर बार आ रहा है, तो कहा 6 के ऊपर बार आ रहा है, मतलब कि 1 के ऊपर बार आ रहा है। अभी एक जीरो वाला क्या होता है, तो 10 होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, है ना। यहाँ पे देखिए 6 के ऊपर बार था, मतलब कि 1 के ऊपर बार था, है ना, एक जीरो वाला क्या होता है 10 होता है, तो 10 को क्या करना है आपको कि LHS और RHS लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10x,
इक्वल टू 0.6 बार को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 10 से, 0.6 बार को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 10 से, तो वो क्या हो जाएंगे, 10x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो 6 एक आगे चला जाएगा, तो 6.6 बार हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे क्या हो जाएगा, ये बार जो है वो हटाना है। तो बार माइनस, बार हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे हम, 2 माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू, तो 6 माइनस 0 तो हो जाएगा 6, और 6 बार में 6 बार चला गया तो क्या बचेगा, 0.0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे 6/9, 3 के डबल से काटेंगे 2, 3, तो ये कितने आ जाएंगे, 3/2, मतलब कि ये देखिए आपको इसको आप किस फॉर्म में लेके आ गए हैं, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लेके आ गए हैं, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया है। पी एंड क्यू बहुत सारे इंटीजर्स, चेक कर लेते हैं इंटीजर्स है या नहीं है, तो 2, 3 बिल्कुल इंटीजर्स भी बन रहे हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, तो 0.47 का बार है, तो वही करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको एक्स मान लेना है, तो लेट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.47 का बार हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के ऊपर बार है, तो जहाँ अपन ने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था, इधर किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 47.47 का बार हो जाएगा। इसको दे दिया आप इक्वेशन नंबर 2, फिर वही इक्वेशन 2 माइनस क्या कर देंगे, इक्वेशन 1। 2 माइनस 1 करने पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 99x इक्वल टू, 47 माइनस 0 करेंगे तो 47 ही, बार में से बार तो कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47/99 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, ठीक है, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप इसको p बाय q के फॉर्म में लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखिए 0.001 का बार है, सेम तरीके से करेंगे, वही करना है, सबसे पहले इसको x मान लेना है, तो लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.001 बार। फिर क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर बार आ रहा है, मतलब अब 3 0 वाला क्या होता है, 1000 होता है, तो 1000 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, तो 001.001 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 1000x इक्वल टू, अब या तो 00 को लिखने का मतलब ही नहीं है, तो 1.001 का बार हो जाएगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। वही करना है, इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, 2 माइनस 1 कर देंगे, तो 1000 माइनस x करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 999x का x इक्वल टू 1 माइनस 0 हो जाएंगे 1, बार में से बार चले गए तो 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/999 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, where p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999 मतलब कि 9 बार है ना, इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, आपको इसको p बाई q के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले वही, तो x मान लेना है इसको, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.9 बार हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अभी एक के ऊपर बार लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.9 बार हो जाएगा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर वही करना है, क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर देंगे, तो 10x माइनस x करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9x इक्वल टू, 9 माइनस 0 करेंगे तो 9 ही, और 9 बार में से 9 बार माइनस हो गया तो क्या बच जाएगा, 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/9, तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। सॉल्यूशन करते हैं इसका, आपको बताना है कि 1/17 को सोल्व करने पर उसकी जो डेसिमल ब्लॉक होता है, डेसिमल ब्लॉक क्या होता है, जैसे 1.72 कोई चीज है, तो यहाँ पे ये जो होता है 72, तो ये इसी को बोलते हैं हम डेसिमल ब्लॉक, ठीक है। तो इसको सोल्व करने पे क्या आता है, सबसे पहले तो इसको सोल्व करने पे आता है आपका, सोल्व डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, तो इस मैंने पहले से किया हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आ रहा है आपको, तो 0.058823529411767। तो इसका रिपीटिंग डेसिमल ब्लॉक कौन सा आ रहा है, तो इस पॉइंट के राइट साइड वाली जो ये होता है, ये डेसिमल ब्लॉक है। अभी डेसिमल ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट आ रही है मैक्सिमम, तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, तो इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो गई? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल ब्लॉक, इन डेसिमल ब्लॉक, ठीक है। तो डेसिमल ब्लॉक के अंदर कितनी होगी? तो अभी अपन ने गिने कितने आए, 16 आए, तो मतलब कि 1 अपॉन 17 को सोल्व करने पे डेसिमल ब्लॉक के अंदर कितने मैक्सिमम डिजिट आ सकती है? तो 16 डिजिट आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका इसी तरह से खत्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और वेयर क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर। तो आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं रेशनल नंबर के, जो कैसे हैं कि p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे ये रेशनल नंबर है तो, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो गई है, और क्या होना चाहिए कि p और q जो दोनों इंटीजर्स है उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो बिल्कुल भी कटने नहीं चाहिए एक दूसरे में, वो एक दूसरे से वो बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, उसी को बोलते हैं आप विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको और उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है मतलब कि उसको सोल्व करने पे जो डेसिमल फॉर्म आती है वो कैसी होनी चाहिए? तो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैन यू गेस वॉट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो वो तो सोल्व करेंगे तो पता पड़ेगा क्या प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही है। तो इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आप, जैसे कि 9/4, इसको सोल्व करने पे कितने आ जाएंगे? तो 2.25 आ जाएंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए 11/8 ले लेते हैं, ये इसको सोल्व करने पे कितने आ जाएंगे? तो 1.375 आ जाएंगे। और एग्जाम्पल ले लीजिए 27/5, तो ये क्या आ जाएगा? 5.4 आ जाएगा। तो ये देखिए कि सब रेशनल नंबर भी है और इनको सोल्व करने पे एक टर्मिनेटिंग फॉर्म आ रही है, ठीक है, टर्मिनेटिंग फॉर्म आ रही है, और p बाई क्यू के फॉर्म में भी है ये सब, और यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है ये सब में। अब देखिए इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो q जो है, q मतलब कि इनके जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं दोनों तीनों, तो इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो तीनों में कॉमन आ रही है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये 2 की पावर की फॉर्म में है, कि 2 की पावर अगर 2 होगी तो कितनी हो जाएगी? 4। या पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 होगी तो कितनी हो जाएगी? 8। या पे 5 है, मतलब कि क्या होता है कि q must be इन द फॉर्म ऑफ पावर 2 और पावर 5 और बोथ, कि q जो है मतलब कि इन ऐसे रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर जो है वो या तो 2 की पावर की फॉर्म में हो, या 5 की पावर की फॉर्म में हो, या फिर दोनों की पावर की फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी q होगा तब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा क्या होगा? तो टर्मिनेटिंग फॉर्म में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आता है जो इस 2 की पावर या 5 की पावर इनकी फॉर्म में अगर नहीं होता है, इसका मतलब वो जो है वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो क्या होंगे हमेशा? तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। तो ऐसे एग्जाम्पल तो कुछ भी लिख सकते हैं आप कि 0.1234 5 डैश डैश डैश, तो अब ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा कर देते हैं 7.8910112 डैश 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 डैश, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो कि 5.42878910 डैश 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 डैश, तो ये जो भी हो जाएंगे तीनों एग्जांपल किसके हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब कि क्या है, कुछ भी लिख के पॉइंट लगा के डैश 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 कर दोगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपके पास दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, उनमें से आपको क्या करना है कि 3 इरेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं वो तो आपको आता है ना। अब आपको क्या है कि इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो समझिएगा। उसके लिए आपको एक नॉर्मल सी चीज करनी है बस, कि सबसे अभी किन किन के बीच में से निकालना है? तो 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में से निकालना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन को लिख दीजिए। तो इन दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएंगे देखिए, तो 5/7 है तो 5/7 को सोल्व करने पे कितने आ जाएंगे आपके? तो ये आ जाएंगे 0.714285 का बार। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आ जाएगा, 9/11 का कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0.81 का बार। तो ये जो है वो दोनों बार की फॉर्म में आ गए हैं। अभी बार वाली जितनी भी चीजें होती है वो रेशनल होती है, कभी भी इरेशनल नहीं होती। तो अब इनमें से आपको क्या करना है कि कोई से भी नंबर निकालने हैं और डैश 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 लगा देना है, तो वो जो नंबर होंगे वो इरेशनल नंबर ही होंगे। तो
71 से लगा के 81 के बीच में कोई भी नंबर लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि 0.7248567 डैश डैश डैश, वो लिख दीजिए 0.72 हो गया। अब 74 कर दो बोली 7468910112 डैश डैश डैश, फिर 0. अभी 81 से कम लेना तो 80 ले लो, तो ये हो जाए 80 69 72 42 डैश डैश डैश। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो आप ले सकते हैं, डैश 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 लगाना है जिससे वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, आपको रेशनल और इरेशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ देखिए रूट ऑफ 23 जो है, तो अभी 23 एक तो प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर भी है और एक ऑड नंबर भी है, और ऊपर से उसका क्या है कि रूट भी निकाला हुआ है। तो इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं इन नंबर को आप इरेशनल की कैटेगरी में लेते हैं, इरेशनल नंबर है ये, क्या है तो इरेशनल नंबर हो गया। सेकेंड देखिए 225 है, 225 का रूट है तो ये किसके इक्वल होता है, तो 15 के इक्वल होता है, 15 इंटू 15 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 225 आ जाएंगे, मतलब कि 225 का रूट निकालेंगे तो 15 आएगा। तो ये जो 15 है, अभी 15 तो पी बाई क्यू के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं, 15/1 कर सकते हैं, तो ये पे 15 के इक्वल ही आएगा, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है तो रेशनल है, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए डैश डैश या बार तो कुछ है नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, रेशनल है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी बिल्कुल डिवाइड खत्म हो गया है, तो ये भी क्या है, रेशनल है, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है 1.10, फिर 100 100 1000 1000 1, तो ये जो है वो क्या है कि बार बार रिपीट होता जा रहा है, डैश 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 होता जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है तो इरेशनल है, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, इरेशनल फॉर्म में हो जाएगा। तो इसी तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है वो कंप्लीट हो जाती है, इन्हीं के आगे वाली वीडियोस में आप एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।